मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश के सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों की मीटिंग ली। मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हर माह बैठक ली जाएगी, अधिकतर काम ऑनलाइन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रोजगार बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अधिकारियों से कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचारी को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। फतेहाबाद के बूना रोड पर 5 एकड़ के पास ऑडी कार में बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में जहां बाइक के 2 भागों में बट गया, वहीं बाइक पर सवार गांव बरसीन निवासी विजय बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत के चलते अगेहा रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं एक अन्य मामले में गांव धरसुल कला के पास कार की चपेट में आने से कक्षा 9वीं के छात्र गुरदीप निवासी जावतेवाला की मौत हो गई और उसका साथी नवीन घायल हो गया। फतेहाबाद के धर्मशाला रोड पर बरसाती पानी के स्टोरेज को लेकर गज स्कूल में बनाई जा रही टंकी के लिए इसके साथ लगते घर को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए बनाई गई टेम्परेरी दीवार आज भरभरा कर गिर गई। गनीमत रहा था कि इस दौरान इस अंडरग्राउंड टंकी को खोद रहे करीब 8 मजदूर चाय पीने के लिए बाहर निकले थे, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा धर्मशाला रोड पर जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए गज स्कूल में वाटर टैंक बनाया जा रहा है। इसमें आधा दर्जन के करीब मजदूर अंडरग्राउंड टंकी की खुदाई कर रहे थे। इस टंकी के साथ ही एक मकान लगता है और मकान को नुकसान न पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर एक टेम्परेरी दीवार बनाई गई थी। आज यह दीवार भरभराहा कर गिर गई। जब दीवार गिरी उस समय मजदूर चाय पीने के लिए टंकी से बाहर आए हुए थे, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था।